जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त पूरे झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर के पूरे गहमागहमी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एरी चोटी एक किए हुए हैं। इसी प्रचार अभियान के दौरान हमारे साथ राजद के प्रधान महासचिव और सह पूर्व विधायक संजय यादव जी हैं। इनसे ही पूरे समीकरण के बारे में जानते हैं कि राजद किस तरह से INDI के जो एक घटक दल हैं और किस तरह से NDA से फाइट मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। जगन्नाथ, आपको जिसे मालूम है कि जगन्नाथ महतो के निधन होने के बाद में ये सीट रिक्त हुआ था, उसके बाद उसकी पत्नी देवी देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो संजय जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आप क्षेत्र घूम रहे हैं तो माहौल क्या दिख रहा है आपको? देखिए, जिस तरह से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का काम था और जो काम करने का उसका शैली था, आज जिस तरह से लोकप्रिय डुमरी विधानसभा में वो रहे हैं, जो हम अभी तक लगातार 3-4 दिन से कैंपेन किए हैं, उसमें जो हम लोगों का रुझान देख रहे हैं, मैंने कहीं कोई लड़ाई, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हर लोगों का एक ही कहना है कि ये साल भर का चुनाव है। चूँकि जगन्नाथ बाबू एक अच्छे मिलनसार लोग थे और हर व्यक्ति से उनका लगाव था, हर लोगों से जो जुड़ाव था उनका, और ये उपचुनाव हुआ है चूँकि वो बीमार थे, बीमारी के हालत में उनकी देहांत हो गया है और ये उनका हक भी बनता है एक साल के लिए, तो ये चीज़ों का आवाम में चर्चा है और सारे लोग एक ही बात कह रहा है कि एक साल के लिए कोई जीत के भी क्या करेगा। और ख़ास करके इंडिया सरकार ने और हमारे इस झारखंड राज्य के मुखिया भाई हेमंत सोरेन जी ने विधायक से पहले ही उनको मंत्री बना दिया, तो एक कहीं न कहीं डुमरी विधानसभा में और पूरे राज्य में एक संदेश देने का भी काम किया है। इसलिए के लोगों का ये कहना है कि ये घर की बेटी है, घर की बहू है और जगन्नाथ बाबू का जो कमाई है, हम लोग अपना वोट के माध्यम से ही असूल कर सकते हैं और बेबी देवी जी को चुनाव जिताना मेरा पहला प्राथमिकता है और हम लोग सारे लोग मिल करके उनको चुनाव जिताएंगे, ये आवाम लोगों का कहना है। बिल्कुल, जिस तरह से देख रहे हैं कि सिंपैथी का लोग बात कर रहे हैं कि इस सिंपैथी में बेबी देवी मुकाबले में सबसे आगे चल ही रही हैं, लेकिन साथ साथ ही जो राज्य सरकार जो चल रही है, इस राज्य सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को भी लेकर के लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है। और जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि जितने भी वादे किए थे वो वादे गिना रहे हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं NDA के घटक दल के सभी तमाम नेता कि क्या ये काम हुआ जो जिस तरह से जितने तमाम वादा किया गया था, रोजगार का मामला हो या आवास का मामला हो या बेरोज़गारी भत्ता का मामला हो, ये तमाम मुद्दा 1932 का खतियान, तो क्या लगता है कि ये चुनाव बहुत ही अहम होगा 2024 से पहले? देखिए, आपको पता है कि 32 का खतियान UPA सरकार ने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने अनुशंसा करके राजभवन भेज दिया था। अब राजभवन ने किस कारण से वापस लौटाया और जितना भी एजेंडा था, पारा शिक्षक को देख लीजिए, आज जो है उसको जो वेतन मिलना शुरू हो गया, आज जो बच्चे बच्चियां को लोग आश्वासन दिया था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो आपको जो है पैसा मिलेगा, वो पैसा मिल रहा है, किताब कॉपी मिल रहा है और जो रोड का, इरीगेशन का, सिंचाई का जितनी व्यवस्था है, ये सारे चीज़ों पे जो हेमंत सोरेन के मैनिफेस्टो में था, हम समझते हैं कि करीब करीब 90% उन्होंने पूरा कर दिया। जो 10% बचा हुआ है तो साल भर है। अब आप समझ सकते हैं कि 18 साल का भूखा हुआ 5 साल में पूरा नहीं हो सकता है। जो BJP गवर्नमेंट ने जितनी वादा किया तो कुछ तो क्या नहीं, आप बताइए। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, BJP ने कहा था, मोदी जी के मैनिफेस्टो में था, 15-15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में भेजेंगे, क्या किसी गरीब को मिला क्या? 15 रुपया भी मिला क्या? आज गैस का सिलेंडर 450 रुपया में लोगों को जो है बैंक का खाता खुलवा खुलवा के दिया, अभी क्या मिल रहा है? आपको तो पता है, आप खुद खरीदते हो ब्लैक में 1100-1200 में सिलेंडर। तो इन लोगों ने देखिए, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अपना बिजनेस कर रहा है। आज इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, इनके पास जो है कोई प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है, ये सिर्फ ढकोसला है। आप देखिए, रेल कहाँ चला गया, एयरपोर्ट कहाँ चला गया,
सारे चीज़ों को जो है ये बेचने का काम किया है। और जो इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार तो नहीं दिया लेकिन रोज़गार छीन जरूर लिया। तो इनके पास कोई विजन नहीं है, ये आवाम को ठक रहा है। जो गरीब को ये चुनाव के समय पैसे का दुरुपयोग करके, पैसे का प्रलोभन दे करके, अभी आप देख रहे हैं डुमरी चुनाव में ही किस तरह से दारू मुर्गा मिठाई पैसे का बंदर बांट कर रहा है। वोट नहीं है इनके पास लेकिन पैसे के माध्यम से वोट को खरीदना चाहता है। तो अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, गरीब बेवकूफ़ नहीं है, सारे चीज़ों को समझ चुका है। और यही डुमरी चुनाव से पूरे राज्य और देश में मैसेज आएगा कि अब इनका कहीं कोई चारा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। चूँकि ये पार्टी सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेता है, इसके पास कोई विजन नहीं है। जब जब चुनाव आएगा कहीं ना कहीं कोई मंदिर में जो है कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में दंगा करा देगा, इसके पास ही विजन है। इसलिए कि जनता सारी चीज़ों को समझ चुका है। और जो डुमरी चुनाव है यहाँ पे आप बेबी देवी जी का एक लहर चल रहा है, सभी के जुबानों पे है कि नहीं हम लोग जो है लहास पे राजनीतिक नहीं करेंगे, जो टाइगर जगन्नाथ मातों का कमाई था उसको हम लोग मत के माध्यम से बेबी देवी जी को दे करके और उसको जिता करके भेजेंगे। जो हमारे माननीय मुखिया हेमंत सोरेन जी ने जो मंत्री बना के इनको गिफ्ट दिए हैं इसको हम लोग बरकरार रखेंगे, इसको किसी भी सूरत पर हम लोग खोना नहीं चाहते हैं। ये मंत्री बना करके उन्हें सम्मान देने का काम किया गया है लेकिन NDA का आरोप है कि ये सम्मान नहीं अपमान है क्योंकि एक महिला को उससे आप दारू बेचवा रहे हैं। देखिए NDA सरकार के पास बोलने का है क्या, उनके पास कोई विजन नहीं है। आपको हम बताएं कि 18 साल जब आप रहे आप क्या कर रहे थे, आप क्यों ने उनको रोज़गार दिए, आपने क्यों ने व्यवस्था किए, आपने तो खुद उसको दारू बेचने के लिए मजबूर किए। आज अगर उनको आपने रोज़गार दे देते, 18 साल आपकी सरकार रहा तो क्यों दारू बेचता, आप उनको कोई लोन देने की व्यवस्था नहीं किए। नहीं देखिए 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 वो बात बताते हैं ये कौन BJP के लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम आपको कह दें कब बेबी देवी ने दारू बेचा है, क्या उसके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है? तो भाई BJP के लोग हैं वो कुछ भी बोल देंगे। उनके हमने उन पहले भी कहा कि उनकी बोली और कथनी में बहुत अंतर है। अब अपने बहन को कह रहा है दारू बेच रही है, वो मंत्री बन गई तो बोला दारू, क्या आपने कभी देखे हैं, क्या आपने कभी चैनल में चलाए क्या कि बेबी देवी कभी दारू बेचते थे? तो चूंकि गरीब की बेटी है, गरीब का जो है बहू है, आज वो जो है मुसमात है, आज मंत्री बना दिया गरीब की बेटी को तो कह रहा है दारू बेच रहा है। अगर किसी आदमी ने देखा है तो बता दे दारू कब बेचा है, क्या उसका प्रूफ है, क्या शख्स है? अरे भैया सरकार के पास बोलने के लिए विजन क्या है, हम बताएं ना, सरकार अपनी तो बताए कि 18 साल में आपने क्या किए, आपने इस राज्य के लोगों के लिए गरीब गुरबा के लिए क्या किए, आप बताएं। आज जो लालू प्रसाद यादव जी ने 27% आरक्षण देके भेजा था वो आरक्षण भी तो 2002 में कटौती कर दिया, आपको तो पता है, जिसमें सरकार चली गई थी बाबूलाल जी की। तो देखिए हमारा वो कहना नहीं है, हमारा कहना है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम पे विश्वास रखते हैं, तो जब काम करने निकलिएगा तो आपको छिटा कसी होगा ही, काम करेगा नहीं तो गलतियां होगा कहाँ से। तो वो तो 18 साल में काम किया नहीं, तो अपने गलतियां को छिपाने के लिए दूसरे के माथे जो है फोड़ रहा है नारियल, तो वैसे थोड़ी होगा। ये चुनाव के दौरान और ये 24 में भी होना ही है, INDA आप लोग मिलकर के चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है, इस बीच जो 3.5 साल जो सरकार चली है अब तक, तो आपको क्या लगता है कि बेहतर समन्वय हो पाया है सरकार के साथ में, खास करके राजद के साथ, जिस तरह से निकाय नगर निगम और निकाय सब में जो है आयोग में RJD को जगह नहीं मिल पाया है, इसे लेकर के आपके प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध भी जताया था, बात करेंगे लेकिन कुछ फलाफल निकला नहीं, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ आप लोग गठबंधन बना करके आप लोगों को घुमाया जा रहा है, एक मंत्री पद दे दिया है? देखिए हमारा मुद्दा बोर्ड नहीं है, हमारा मुद्दा बोर्ड का सदस्य नहीं है, हमारा मुद्दा है कि हम गरीबों तक रोज़गार कैसे पहुँचाएं, गरीबों के लिए काम कैसे करें। और हमारी पार्टी आप देख रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आज 28 दल को 2 दिन से मीटिंग बम्बई में चल रहा है और एकत्रित करके, चूँकि देश को बचाना है, देश खतरे की ओर जा रहा है, अभी ज़रूरत है देश बचाने की,
ये मुद्दा नहीं कि हमको मंत्री बना दे, हमको अध्यक्ष बना दे, हमको जो है मेंबर बना दे, ये मुद्दा नहीं है। और लालू प्रसाद यादव जी ने एकत्रित करके लोगों को बीजेपी को हटाने के लिए वो त्याग किए हैं और त्याग करने जानते हैं। आप देखे हैं कि अपना सीटिंग सीट जो हम फर्स्ट सेकंड थे उसको भी लोगों को देने का काम किए हैं, चाहे कांग्रेस हो या जेएमएम हो। इसलिए कि चूँकि हम लोग जो है इस राज्य में बीजेपी को ख़त्म करना था और एनडीए को लाना था, इसलिए करके हम लोगों ने सारे को त्याग किए। इसलिए कि हम लालच पे भरोसा नहीं करते, लेकिन ज़मीन में जितनी पैट आज भी लालू यादव जी का है उतना किसी नेता का नहीं है। हम तो घूर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं गांव घर में, देहात में, आप देखे होंगे, हमारा फेसबुक देखे होंगे, पूरा मेरा व्हाट्सअप में देखे होंगे कि क्या जज्बा आज भी लालू जी के प्रति है, तेजस्वी जी के प्रति है। वो नेता सिर्फ रांची झारखंड का नहीं है, वो देश के नेता है, पूरे विश्व उनका जो है पूजा करता है। आज बम्बई जो गए आप देखे होंगे कितनी सम्मान दी, कितनी भीड़ थी। तो आखिर कहीं ना कहीं इनके प्रति जगह है। और लालू यादव एक महान लोग हैं और उन पिछड़ों का, आदिवासी का, अल्पसंख्यकों का जो है, जो ओबीसी का मुद्दा है, ये मजबूती से आज रखने का काम किया है, जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। इसलिए कर करके सारे गरीब गुरबा सभी लोग उनका पूजा कर रहे हैं। और आज लोग अपने जुबान से बोलता है कि अगर देश में गरीबों का कोई बात करने वाला है, पिछड़ों की बात करने वाला, ओबीसी की बात करने है और गरीब गुरबा की बात करने वाला, तो एकमात्र नेता बचा हुआ है लालू यादव, जो आज भी बीमारी की हालत में भी गरीबों के लिए लड़ रहा है। अभी कल की ही बात है कि केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि एक विधान एक चुनाव, और इसके तहत जो है एक समिति का भी गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया उनके नेतृत्व में। आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह का चुनाव होना चाहिए या? देखिए, इस पे हमारे बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया होगा और तेजस्वी जी ने दिए होंगे। हम आपको इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि भाई इसकी आवश्यकता क्या पड़ गया। इसका कहीं ना कहीं आप हार तो मान चुके हैं। अगर आपको डर सता नहीं रहा है तो इस तरह का प्लानिंग आप कर कैसे रहे हैं, इस तरह का चीज़ ला क्यों रहे हैं? ये तो आज़ादी के बाद से चलता आया है, कोई आज थोड़ी हुआ है। आज़ादी के बाद ये व्यवस्था चल रहा है और इस व्यवस्था को आप ख़त्म करके अपना व्यवस्था चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से डर घुस चुका है कि अब दोबारा हम लौट के आने वाला नहीं है, चाहे केंद्र में या राज्य में। इसलिए कि इस तरह की कारोबार आप शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आपने पूरा घूर करके देखे भी, लगातार तीन तीन जगह चुनाव हारे हैं कई राज्य में, तो इनको डर तो सता रहा है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट हुए हैं तो स्वाभाविक है और डर सता रहा है। तो जब गद्दी जाने लगता है तो छटपटाहट तो होने शुरू है और होना लाजमी भी है। छटपटाहट इसलिए के हो रहा है कि अब हमारा कोई चारा नहीं है। जो हम फोड़ फोड़ करके राज कर रहे थे, आज सारे लोग एकत्रित हो करके जो है हमको गद्दी से उतारने में लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से उसको डर सता रहा और डर का ही ये सब क्रियाकलाप चल रहा है। संजय जी, आप संथाल से ही पढ़ते हैं और ये जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी संकल्प यात्रा लेकर के निकले और आपका संथाल पूरा कर चुके हैं, क्या लगता है उनका ये संकल्प जो है 2024 में पूरा होगा? उनका संकल्प यात्रा को देख करके क्या लग रहा है? देखिए, हम तो बोल दिए ना, अब केंद्र और राज्य में कहीं कभी बीजेपी आने वाला नहीं, चूँकि इंडिया जो गठबंधन हुआ है ये बहुत मजबूत गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन में आप देख रहे हैं जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता को, चाहे बिहार हो या झारखंड हो, चाहे वो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, चाहे वो हेमंत जी हो, आज किस तरह से ईडी और सीबीआई का धमकी दे दे के, बार बार टॉर्चरिंग करके किस तरह से प्रेरित कर रहा, तो इनके पास कोई चारा नहीं रह गया। इनके पास अब एक ही रास्ता है, सीबीआई और ईडी। इसके माध्यम से जितना हम डरवाना है गरीब गुरुवा के नेता को डरवा ले, लेकिन ये नेता झुकने वाला नहीं है। आप देखे होंगे लालू यादव जी ने खुले चुनौती दिया कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा। आज उनके दिशा निर्देश पे हेमंत जी भी चल रहे हैं। आप कांग्रेस के देख रहे हैं कि सारे नेता जो लालू जी ने बीमारी की हालत में भी जिस तरह से
सारे लोगों को 28-28 दल को एकत्रित करके एक देश में संदेश देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये झलक रहा है कि ये देश बड़ी ही संकट में जा रहा था और उसको बचाने के लिए मुहिम आज बीमारी हालत में भी आदरणीय नेता लालू यादव जी ने लिए हैं और इसका पैगाम दिए हैं, तो निश्चित रूप से जनता भी समझदार है। जनता को पता है कि एक शख्स है जो इस देश को बचा सकता है, उसका नाम लालू यादव है और लालू यादव के प्रति सारे लोगों को श्रद्धा है, सभी लोगों को आदर्श मानते हैं उनको, आम जनता मानते हैं। हम तो कल एक से एक देहात में गए और बोला कि अरे लालू यादव का देन है जो हम लोग जो है आज ब्लॉक में बोल पाते हैं, चौक चौराहा पे बोल पाते हैं, डीसी एसपी के यहाँ जाके कुर्सी छीन के बैठ जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, ये देन अगर किसी का है तो वो लालू यादव का है। नहीं तो उस समय जो आतंक था ब्लॉक में, आप देखिए उठा करके 90 के पहले का इतिहास, किस तरह से थाना में जो है दादागिरी चलता था और किस तरह ब्लॉक में चलता था, जिला में चलता था, आज सारे चीज़ों को समाप्त अगर कोई नेता ने किया है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने गरीबों को आवाज़ दिया, गरीबों को ताकत दिया, गरीबों को कुर्सी दिलाने का काम किया और उसकी लड़ाई के लिए हमेशा लड़ने का काम किया। 24 के लिए और डुमरी उपचुनाव में क्या कहना चाहेंगे? देखिए डुमरी उपचुनाव में तो आप देख रहे हैं कि जनता का लहर है, जीत सुनिश्चित है, इसको कोई काट नहीं सकता है, चूँकि एक तो सहानुभूति वोट है, वो यहाँ की बेटी भी है, यहाँ की बहू भी है, इसलिए करके सारे लोग ने कहा कि जब हम 5 साल के लिए इनको वोट दिए थे तो चूंकि ये दुर्घटना ही कही है कि बीमारी के हालत में डेट कर गया, तो लाश पे राजनीतिक नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम लोग तमाम लोगों ने मिल करके जो है बेबी देवी को वोट दे के जिताने का काम करेंगे। और आने वाला समय जो 2024 की बात के है, 2024 में लोकसभा भी हम लोग का रहेगा, देश का प्रधानमंत्री भी हमारा रहेगा और राज्य का मुखिया भी पुनः मेरा रहेगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं, दोनों जगह इंडिया का लहर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय यादव जी, जिन्होंने साफ तौर से दावा किया कि 2024 में भी INDIA का सत्ता में काबिज होगा और यहाँ जो डुमरी उपचुनाव है, ये डुमरी उपचुनाव से इसकी श्रीगणेश होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।